सभी को स्वागत करते हैं। मैंने फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने की योजना बनाई है और वह दस्तक पर फ्रेंचाइजी है। इसमें आपको मिलियंस देखने का मौका मिलेगा। यदि आप इस फिल्म का पहला भाग नहीं देखा है तो मैंने उसे आपको समझाया है। यदि आप उसे देख लेते हैं तो आपको दूसरी फिल्म की क्वांटिटी के बारे में और भी अच्छी तरीके से पता चलेगा। चलिए बिना प्रतीक्षा करे चलते हैं। हम सभी गुरु की तीन छोटी छोटी लड़कियों को पहचानते हैं और उसके साथ लांस के पास में उनकी पिछली फिल्म का क्वांटिटी दिखाते हैं। अब हम देखते हैं, थोड़ी दूर एक ठंडी जगह है जहाँ पर एक रिसर्च सेंटर है और वहाँ पर भी X-417 नामक एक रासायनिक तैयार किया जा रहा है। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा दिया, हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया था जिसने हर मेडल और आयरन मैन के फैंस को उनकी ओर आकर्षित किया था। उचित नियमितता के साथ यह बड़ा दिया सभी गलतियों को धोने के लिए हटा दिया था। अब हम जानना चाहेंगे कि इस योजना का पिछला उद्देश्य और कटिबद्धता क्या था। इसके बाद हम स्तरों की प्रगति को देखते हैं और आज की चिंता इग्निस की ब्रिज के अवसर पर देखते हैं। एक पार्टी के दौरान रूई क्वींस पहुंच जाती है और फायरी प्रिंसेस को कह देती है कि आपके पास एक नियुक्ति है और आप क्यों नहीं आए। वहां बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें प्रिंस इंतजार कर रही हैं और अब गुरु की बच्ची को एड्रेस में हौसला दिलाने की जरूरत है। लेकिन इग्निस जानती है कि इस बात का उल्लेख किया गया था, फिर भी वह गुरु से कहती है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और धन्यवाद भी आपको मिलता है। इस पार्टी के बाद एक और महिला गुरु के घर पर पहुंच जाती है। गुरु उसे हटाने का उत्साह दिखाते हैं और उनके ऊपर अपना टेस्ट उपयोग करते हैं। उस वक्त यह लड़की अपना नाम बताती है और कहती है कि वे एक नवाचारी संगठन है और हमारे साथ साथ चलेंगे। और जब वहाँ से एक धमाका होता है तो सीधा कृषि के प्रतीक्षार्थी उस पर पहुँचते हैं। वहाँ एक चयनित इलाज के लिए उनके सामने स्थान लेता है। ऊपर से गुरुजी वहाँ जाते हैं और एक हीरा चुराते हैं। यह देखने के लिए वहाँ से एक वॉइस निकलती है जो 120 किमी घंटे की गति में होती है और जिसे कोई भी बहुत दूर देख सकता है। गुरु के विचारों की कपड़े उड़कर बाहर जाती हैं। हीरे को वह नहीं छोड़ता है, लेकिन ब्रेड जब वहाँ से बच जाती है तो गुरु उसे एक कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं। जब गुरु और रूसी वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में पहुँचते हैं, वह सब बहुत पुराने निर्देशक को देखते हैं जो इसे अनुसरण करते हैं या बेल का नया निर्देशक होता है। इस पहले निर्देशक ने बहुत बुरा किया था। वह सबसे आगे चलने वाली ट्रैक्टर की स्थापना करके उसे वहाँ से भेज देता है और कहती है कि तुम पहले बहुत बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हारे साथ काम करने का कोई मायने नहीं रहेगा। इसके बाद नई निदेशिका चिल्लाते चिल्लाते पूछती है कि तुम सब गुरु कौन हो। तब राकेश गलती से ग्रुप को फोन भी ले निकल जाता है और फिर उसको छोटी बेटियां कॉल करती हैं। यहां पर डायरेक्टर राकेश से अभद्रता से पेश आती है और बोलती है कि तुमने ब्रेड को क्यों नहीं पकड़ा। वह दूसरा सबसे खतरनाक खलनायक है जिसे गुरु कहता है कि मैंने तुम्हारा विभाग छोड़ दिया है और मैं इन सभी चीजों से खुश हूं। डायरेक्टर को ये सब मामला पसंद नहीं था, लेकिन उसे केवल ब्रेड का एवरेस्ट ही अहमियत रखती थी और इसीलिए उसने राकेश को नौकरी से निकाल दिया। तब लूसी अपने ऊपर विश्वास रखती है कि शहर उसे कभी नहीं निकलने देगा, लेकिन असल दृष्टिकोण में इन दोनों को गुरुओं से परेशानियां थी क्योंकि इनके पास कोई नौकरी नहीं थी और जब वे अपने घर पर जाते थे तो मार इनका स्वागत करती थी। विशेष व्यवस्था की गई थी और खाना भी बनाया था, यहां तक कि वह खाना खराब था फिर भी जब लड़कियां ब्रेड पकड़ने के लिए पूछती थी गुरु यह सब बताते थे कि हमारे हाथ से सब चले गए, इसी कारण हमारी नौकरी छीन ली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जल्दी नौकरी मिल जाएगी। गुरु को दूसरों से 1 मिलियन की कॉल मिलते हैं जिसका वे मिलियन के पास मिलते हैं। जब आप विलेन बनते हैं, हम लोगों को विलेन के साथ में रहना पसंद होता है, तो आप धीरे धीरे ग्रुप बदल रहे हैं। यह मिनियंस कह रहे थे कि तब से जब आप पापा बन गए हैं आप डाइट वाली काम करने लग गए हैं, आपने विलेन बनना भूल चुके हैं और हम आपके साथ और ज्यादा नहीं रहेंगे। लोग कहते हैं कि झोपड़ियों ने 2 मूवीज में एक्सपेरिमेंट किया है और वे अपने आप को छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ में नहीं होना है। दूसरी तरफ जब उस समय टाइम एंड में वहाँ पर एक ट्रेलर था और हमें पता चलता है कि यह आदमी वास्तव में ट्रेलर नहीं है बल्कि यह एक ब्रेड था और यह ब्रेड लोगों को बेहोश कर दिया था और वहाँ से ब्रेड की जगह से वही सहसीत ने भागकर मंजुला की वापसी की ओर जा रहा था। दूसरी तरफ रूसी अपने बच्चों से मिलने आई और फिर गुरु और लूसी ने आपस में बैठकर बातें की कि कौन सा काम हमें करना चाहिए, हमारे पास कोई भी काम नहीं है तो हम अपने बच्चों को कैसे बड़ा कर सकते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि मिनियन भी जा चुके हैं और रास्ते में एक आदमी ग्रुप के घर का पता पूछता है, लेकिन मिनियन जिप पर चढ़कर चले जाते हैं क्योंकि मुझे उन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगली सुबह गुरु को एक नई यूज मिलती है क्योंकि डायमंड फिर से ब्रेड से चोरी कर लिया गया था और साथ ही एक लड्डू की सबसे छोटी बच्ची वह अपने सभी स्टार्स को सील कर रही थी। उसे लग रहा था कि हमें काफी पैसों की जरूरत पड़ जाएगी, इसीलिए मैं पैसों की मदद करता हूँ। वही आदमी गुरु से मिलता है जिससे कि कल रात को मिनियन की भी मुलाकात हुई थी। अधिकांश लोगों को रूसी वार्ताओं में कोई खास रुचि नहीं होती है, इसलिए उसे रॉकेट से बढ़ा दिया जाता है। वह दुखी आदमी वापस आता है और पैसे के बदले में कहता है कि मुझे आपसे महत्वपूर्ण बात करनी है। आपके भाई ने आपको बुलाया है, लेकिन उसके बावजूद वह रोकने की कोशिश करता है कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं एकल बच्चा हूँ। तब व्यक्ति इसे रोकता है और उसे एक चित्र दिखाता है। उस चित्र में एक ट्विन रीजर भी होता है, लेकिन समूह इस बात पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए वह अपनी माँ के पास जाता है। बुढ़ापे में भी आंटी जी का शौक खत्म नहीं हुआ था, अभी भी वह स्विमिंग क्लासेस कर रही थी।
गुरु अपनी माँ से पूछता है कि कैसे मुझे यह बात बताई कि अंत में तुम्हें अपने भाई की जानकारी कैसे मिली, लेकिन जो भी हो यह सच है कि मुझे ट्विंस होने का पता चला। उसी समय मेरा तलाक भी हो गया था और हमने तय किया कि एक बच्चा उनके पास रहेगा और एक बच्चा मेरे पास होगा। इसके बाद समूह को बहुत खुशी होती है। उसका एक भाई है और आप सब भाई से मिलने जाते हैं जहाँ ये लोग लैंड करते हैं। यह पहले से ही काफी खूबसूरत और बड़ा घर है जिसे आप हर जगह देख सकते हैं। उसके भाई के घर में प्रवेश करने पर यह एक कासल के बराबर है। घर बड़ा है और सबकी व्यवस्था है जैसे कि फाकी की जैसी थी। गुरु के भाई का नाम रुद्र है और वह अपनी भाभी और छोटे बच्चों से मिलते हैं। उसे अपनी कितनी भी कारों से परेशानी होती है और उसे लगता है कि हमें चलना चाहिए, इसलिए उसने अपनी छोटी बच्चियों को शहर देखने भेज दिया। हम लोग ब्रेड के ऊपर नजर रखते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वह अब भी अपने बचपन में खो चुका था, जबकि उसके अंदर तारों की जगह लेजर लाइट थी और जब डायमंड आया तो वह वास्तविक में लेजर लाइट का उपयोग करेगा। दूसरी ओर ग्रोव अपने भाई पर उसे बात करता है और उसे कहता है कि मुझे आपसे हम बात करनी है। रहस्यमय रास्ते के माध्यम से 20 मिनट में पहुंच जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण थी। गुरु को समझ नहीं आता कि ये सब कर्तव्य क्या है। इस पर तब गुरु नियम बताता है कि हमारा पौधा एक बड़ा खतरनाक है, तो तुम इस पर गर्व करते थे। हालांकि हमें पता है कि गुरु की माँ उसे सदा डांटती थी, इसलिए वह निकम्मे हैं। इसके विपरीत गुरु के पिता को वह पर अत्यधिक गर्व था, लेकिन रुको, उन्हें डर था कि उसने कुछ नहीं किया। इस संदर्भ में गुरु को समझाने का प्रयास किया जाता है कि हम दोनों को पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे पास इतने स्नातक हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन काम की चीजों के बाद हम वापस विलेन बन जाते हैं। यहाँ पर गुरु इन बातों से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ से कट के छोड़ दी हूँ, लेकिन तू यहाँ पर अपने फादर की सुपर कार को चलाने से मना नहीं कर पाता है। और दोनों भाई इसी कारण की वजह से बाहर निकल पड़ते हैं। इस कार के अंदर खूब सारी सुविधाएं थी, जो कि माउंटेन पर चलने, पानी में डूबने और हवा में उड़ने के लिए पॉकेट लगती हैं। यह लूसी अपने बच्चों के साथ इसे टाउन के एक ओवर में पहुंचती है। यहाँ पर गेम खेला जा रहा था, जिसके लिए लूसी मार्क को कहती है कि तुम भी जाकर खेलो। इस गेम में मार्क को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और लड़के के हाथ से प्लेट में रखी चीज उठा लेती है। वहीं दूसरी तरफ किसी को फील होता है कि एडिट करने वाले कम दिखाई देते हैं, तो आखिर कहां गए वे दोनों। हम देखते हैं कि एडिटर प्रेगनेंसी के लिए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक यूनिकॉर्न चिन्ह देखा गया था। एग्नेस वहां जाकर बटन को प्रयोग करके पूछती है कि आप मुझे यह चालू क्यों नहीं करते हैं। यह बार टेंडर बच्चों को भयभीत कर देता है और कहता है कि वे जंगल में एक टेडी मेडी के पीछे जाना पड़ेगा और वहां उन्हें यूनिकॉर्न मिल जाएगा। लेकिन यह सत्य है कि यूनिकॉर्न सबसे केवलियां और आदर्श बच्चे को ही मिलता है। सभी इस बात को जानते हैं कि बड़े बॉस इस काम के लिए बनाया गया था। लेकिन उस आदमी की बातों के बाद में गर्भावस्था के बारे में किसी बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ को सुनते ही लूसी चिढ़ जाती है। वह सोचती है कि अगर किसी कारण से वह किसी ट्रबल में हो जाती है तो वह हर इंसान को बहुत बुरी तरह से मारती है। किसी ने वास्तविक में कुछ नहीं कहा था, लेकिन बाद में लूसी सभी से माफ़ी मांगते हुए अपने बच्चों को संगठन से बाहर ले जाती है। यहाँ पर गुरु और नीरू अपना समय बिताते हैं, जहाँ उस व्यक्ति ने बचपन के दिनों को याद करते हुए एक बस से चॉकलेट चुरा ली थी और पुलिस उसे पीछे पकड़ चुकी थी और अब वह खुद गाड़ी चलाता है। यहाँ एक गुरु फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है और एक सीधा पानी में जा रहा है। इसी बीच में हम भाग्य मिलियंस को देखते हैं, जिनके पास घर नहीं होता था, लेकिन अब उनके पास यूनियन लगने वाली है। तब वह एक पीस ध्यान देता है और पिज्जा वाले के पास भागते हुए पहुंच जाता है। एक रियलिटी शो के अंदर, रियलिटी शो में जज के सामने पहुंचने के बाद उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, जहां पर उसने 1 मिलियन को पाए और गाना गाना शुरू कर दिया है। उसी जगह पर उसे सभी गुण मिलते हैं, लेकिन उस मिलियन का गाना गाने में ठहरने का समय नहीं होता है। बहुत अच्छी प्रदर्शन के बाद जब उसे रोक दिया जाता है, तब सभी भगवान नजर रखते हैं और उसे नियरेस्ट के पास ले जाते हैं। वहीं भैरव और गुरु और उनका ग्रुप एक बीच के पास खड़े होते हैं और दोनों निर्णय लेते हैं कि अभिनय करना क्या है। गुरु के दिमाग में विचार उठा, वह अपने भाई की मदद से इस उपचार को चुरा लेगा पर चीन को यह सौंप देगा ताकि उसे वापसी पर नौकरी मिल जाएगी। यहाँ दोनों भाई एक दूसरे के नके उतारते हैं, किंतु परिवार मजे उठाना चाहती थी क्योंकि वे हंसते मजाक कर रहे थे। एग्नेस रात का खाना खत्म करके सो चुकी होती है क्योंकि उसे यूनिकॉर्न ढूंढने जाना होता है। लोग उसे बताने की कोशिश करते हैं कि गैस हर किसी को यूनिकॉर्न नहीं मिलता है। बिग बॉस के सामने उसे यूनिकॉर्न बोलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वह सबको ठीक से पता चल जाएगा। लेकिन ट्रोली जब सो जाती है क्योंकि उसे सुबह यूनिकॉर्न ढूंढना होता है। अब सभी मिनियंस गिरफ्तार हो चुके होते हैं, लेकिन वे सब दादा बन चुके होते हैं। अगर मैं भी चोरी में हिस्सा लेना चाहता हूँ तो उससे कहता है कि तुम कर रहे हो ना, क्या तुम गाड़ी चलाओगे? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम और कुछ नहीं है। तो यहाँ अपने पिता की पुरानी यूनिफॉर्म से निकालता है, जो गुरु के लिए बिल्कुल ठीक बैठती है। हम देखते हैं कि यहाँ किसी ने नोट किया था और यह छोटा बच्चा था जिसने मार को एक चीज को क्यों उठाया था। यह बच्चा जब रास्ता काटने आता है तो बारिश हो जाती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बच्चा पागल हो गया है, तो उसकी माँ से भेज देती है और कहती है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है और बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती। बेटा अपने घर जा लो, मारो उसे इस बात से गुस्सा हो जाती है कि लूसी ने उस बच्चे को डांटा नहीं। तभी वह बच्चा अपनी माँ को बुलाकर लाता है। तुम तो और ज्यादा गुस्से में हो जाती और कहती हो कि इफ यू वांटेड टू बी इन फ्रंट ऑफ मार देन जस्ट गो अहेड और एंगेजमेंट हिस्सा लो।
इसलिए सबसे पहले मुझसे बात करें। अगर तुम मेरे साथ परेशानी उठाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे समझौता करना होगा। जब इस लड़के के दिमाग में यह विचार आता है कि उसकी माँ चुप हो जाती है और कहानी लगती है कि हम गलत घर में फंस गए हैं, तो यह मार बहुत खुश हो जाता है कि इस स्थिति में उसकी माँ से समर्थन देती है। दूसरी ओर पुलिस को अभी तक कोई ऐसा ताशीत नहीं मिल पाई है। तब वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वहाँ यूनिकॉर्न की बजाय बकरी के बच्चे वाला चीज आता है। इसे यज्ञ यही समझ रही थी। यहाँ जब जरूर ब्लू सुपर के ऑडिट के दौरान रूटी वह चिंता में संपन्नजित होता है कि वह अपनी डायरेक्टर को यह पुन वापस कर दे और सम्मानपूर्ण रूप से नौकरी स्थान ले ले। इस बात को रोकने वाले कहते हैं कि तुम नीचे रुको, मैं ऊपर चला जाता हूँ। वह चिपकते हुए इमारत पर पहुँचता है कि थोड़ी देर बाद वह फंस जाता है। अगर वहाँ कहा जाता है कि मत आना, तब भी वहाँ पहुँच जाता है। खतरनाक गलतियों के कारण यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ तक पहुँचे, जहाँ एक चिड़िया भी अंदर तक पहुँच चुकी थी। इसके अलावा एक चिकन ने यहाँ तक पहुँचकर तैयारी पूरी कर ली थी। यह वॉशरूम में सभी बैठकों के कोट को साफ कर रहा था और जेल के कपड़ों के साथ कुछ ना कुछ कर रहा था। इसके अलावा एक बड़ा हॉट एयर बलून बना रहा था। दूसरी ओर गुरु और रूप ब्रेड की कक्षा में थे, जहाँ डायमंड सो रहा था। ध्रुव के पेड़ से एक ध्वनि आई जिसके कारण ब्रेड जाग गया। जब सोकर जागते हैं तो वह अपनी जिंदगी में पहुँचते हैं जहाँ हर चीज आकर्षक लगती है। यहाँ चेबड़ा था और उसी में एक पिछली सेवा होती है। गुरु यहाँ देखते हैं, ब्रेड बहुत खराब होती है, इसलिए एक व्यक्ति एक बड़ा रोबोट बना रहा है जो उसके जैसा होगा और जिसमें एक डायमंड को फिट करके चालू करेगा। इसलिए ब्रेड रोबोट चेतावनी देता है कि इसकी जिंदगी का खतरा हो गया है। अब दोनों भाग लेते हैं और इंस्टीट्यूशन के किनारे खड़े होते हैं। पैर रखने के लिए कहीं जगह नहीं है, इसलिए वे नीचे गिरते हैं और कांटों में मरते हैं। लेकिन फिर एक सूखा जगह मिलता है और यहाँ पर वे दोनों भाइयों को बचाती है। दूसरे में एक पैंट बचती है और उन्हें यहाँ पर भिजवाने की सलाह देती है। अगले बहुत समय के लिए मुझे मिशन पर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस अद्यतन से क्रूज ब्राह्मण वापस लाए गए और अब हम धनी नहीं होंगे। हमारी बातें हर जगह प्रसिद्ध होंगी। गुरु कभी अपने भाई को रूसी डायमंड नहीं देता और इसकी प्रशंसा करता है। तुम्हें लोगों का नहीं मिलेगा यह डायमंड। तुम सब कहानियां महल के बारे में छोड़कर कहीं औसत लोग बनकर बैठे थे। मेरे साथ तुम चलने का कोई फायदा नहीं होता है और वैसे भी पिताजी भी तुमसे ये बातें कहते थे। इस बातचीत से दिल को बहुत दखल होता है और वह बोलता है कि हम दोनों अब भाई नहीं हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता और वह फौरन समय पैक करके बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर मैं देख रहा हूँ कि मैं वन हॉट एयर बलून केंद्र का आनंद ले रहा हूँ। गुरु अपने बच्चों के साथ अपने घर की ओर जा रहा था। ऐसे में वह बिग बॉस देख रहा है और कहता है कि उसे वनिकॉर्न मिल गया है। यहाँ पर वह अपनी बेटी से कहता है कि वनिकॉर्न नहीं है बल्कि बकरी का बच्चा है। लेकिन बेटी इससे भी अच्छी बात कहती है कि उसे तीनों बच्चों और सलमान की देखभाल करनी है और गुरु बाहर आने के लिए बाहर आता है। वह लूसी असलियत की लूसी नहीं थी बल्कि इस बार वह ब्रेड भी नहीं थी। उसने इस बदलाव का सामना किया था। यहाँ पर गर्ल्स और डायमंड दोनों को एक साथ चुरा कर ले जाता है। वह यहाँ लूसी ढूंढने के लिए अपने भाई रुक से बताता है कि ब्रेड चोरी कर लिया गया है। अब तीनों वापस अपने सुइट में बैठकर ब्रेड को ढूंढते हैं। हम देखते हैं कि उनका मिलना ऐसे उच्च इमारत में होता है जिसमें छोटी मनियां उड़ रही होती हैं और इन मनियों ने अपना रास्ता बदल लिया है। वास्तव में यह गुरु के पास पहुंचना ही था। हम देखते हैं कि यह बॉलीवुड के अंदर पहुंच गया है, जहां ब्राइटर अपने सबसे बड़े रोबोट के साथ हर जगह तबाही मचाता है और इसके साथ ही इन तीनों लड़कियों को एक ऊंची इमारत के ऊपर उतार कर छोड़ता है। विराट यहां बलगम फेंकता है और शहर के एक हिस्से में भले ही हर जगह बल कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ब्रेड और डायमंड की मदद से लेजर लाइट से हिस्सा काट देता है। रूसी सबसे पहले जो है, उन्होंने अपनी बेटियों को बचाने के लिए भक्ति की है। वे उनके हर रॉकेट को बाहर निकालते हैं और सीधे शूट करते हैं ब्रेड के रोबोट पर, लेकिन ब्रेड का रोबोट गिरने के बाद व्यक्ति खड़ा हो जाता है। मिनियन ने बलून्स पर ध्यान दिया है और दूसरी लड़कियों को बचाने के लिए वह बिल्डिंग पर पहुंच गई है। मिनियन बलून पर उड़ने की कोशिश करते हैं, वह उसे काटने के लिए घूरते हैं। दूसरी ओर विरुद्ध प्लेन भी ब्लास्ट हो चुका था, इसलिए ब्रेड इन जानों को मारने की कोशिश करता है। वह अपने लेजर लाइट से गुरु को चला सकता है। घूमते हुए ब्रेड के रोबोट पर पहुंचता है और सीधे जाकर उस वेस्ट को तोड़ने की कोशिश करता है। गुरु एक सफल होता है और उसकी लाइट स्लाइड रुकती है। अब ब्रेड के रोबोट का पूरा सिस्टम नष्ट हो गया है। इसके बाद गुरु ब्रेड को यहाँ पर बुलाता है। अब अंतिम युद्ध का समय है, जहाँ लोग नृत्य और लड़ाई की क्षमता को चुनते हैं और एक दूसरे के साथ नृत्य करके लड़ाई शुरू कर देते हैं। गुरु के हाथ में ब्रेड का गिटार होता है, जिसकी रविंद्रम से दूर बिल्कुल सही चीज उड़ जाती है। यहाँ गुरु अपने भाई थ्रू का पता लगाने के लिए सर्च करता है कि वह इस पॉइंट पर कहाँ चला गया है, क्योंकि रोबोट नष्ट हो गया था और उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वास्तविकता यह है कि लूसी अपनी लड़कियों के साथ वहाँ पहुँच गई थी और साथ ही साथ सभी मिनियंस ने भी उसे नष्ट कर दिया था। गुरु के पास आने वाले मिनियंस पूछते हैं कि क्या वह यहाँ ही रहेंगे, प्रशंसा हो चुकी है। इस बीच सारे मिनियंस सोने के लिए उसकी तारीफ कर रहे हैं, जब तक कि मिनियन गुरु और लूसिया सब एक साथ पिलो लड़ाई कर रहे होते हैं और लूसिया सभी को समाप्त करने के लिए कहती है मैं ठीक हूँ। जब गुरु अपने भाई को डराता है कि वह किसी भी दुष्ट काम को नहीं करेगा, उसकी गारंटी देता है और कहता है कि हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन फिर गुरु सबके सोने के बाद में मिनियन को जगाता है और वहां से उसका पाठशाला का सफर शुरू होता है।
लेकिन इसके बाद लूसी कहती है कि चलो उसे पकड़ लें। इस पर गुरु ध्यान नहीं देता, कहता है कि हम उसे थोड़ा उड़ने दे, फिर हम उसे पकड़ेंगे। तो एक ही परिवार में एक विलेन होने के कारण वहाँ दो विलेन हो जाते हैं और कॉमेडी के साथ ही यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को बताएं इस श्रृंगार सीरीज का आपको कैसा लगा। तो चलिए अपनी अगली मूवी में मिलते हैं जो कि मिनियन होगी। इसके बीच आपको धन्यवाद।